हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो टुडे आई एम हेयर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ पी एस स्टेट इंग्लिश पेपर वन एंड पेपर टू बोथ ठीक है जी आज हम करेंगे मैथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में तो देखिए जी हमने बहुत सारे टॉपिक किए लैंग्वेज स्किल्स हो गई लैंग्वेज क्या, क्या होता है एक्विजिशन क्या होता है कम्युनिकेशन क्या होता है ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैग्जीम्स ऑफ टीचिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ मैथड्स ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट राइट क्योंकि कुछ न्यू मैथड्स एड हुए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ ओल्ड मैथड्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं किस सिचुएशन में यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए राइट right? तो मैथड्स दो तरह से डिवाइड किए गए हैं दैट इज ओल्ड मैथड एंड द न्यू मैथड राइट ओल्ड मैथड है जो ओल्ड मैथड दो तरह के हैं एक तो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड सिंपल टीचर ट्रांसलेट करके आपको पढ़ाता है जहां पे एक होता है डायरेक्ट मैथड कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें आपको डायरेक्टली पढ़ाया जाता है न्यू मैथड तीन तरह के होते हैं जी डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड सब्सटीट्यूशन मैथड एंड बायोग मैथड एक एक करके एक एक मैथड को देखेंगे अच्छे से समझेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं ठीक है जी क्वेश्चन साइड बाय साइड मैं आपको बताती चलूँगी सो so, सबसे पहला है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड क्या होता है कि यहाँ पर जो इंग्लिश है ना मदर टंग के थ्रू पढ़ाई जाती है ठीक है जी और इसको ओल्डेस्ट क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है ये पुराने मेथड्स हैं जहाँ पे बच्चे को क्या करवाया जाता है मदर टंग में पढ़ाया जाता है जो मेन उसकी जो लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाता है और एक क्वेश्चन आया था क्लासिकल ठीक है क्लासिकल मैथड किसको बोला गया है कौन से मैथड को कौन से मैथड ऑफ टीचिंग को क्लासिकल मैथड बोला जाता है तो याद रखना ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड को क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग बोला जाता है आई होप दिस इज क्लियर और इसमें इंग्लिश है जो टॉट की जाती है थ्रू द मदर टंग मदर टंग के थ्रू जो बच्चों की अपनी क्या है भाषा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ज़्यादा अटेंशन किस चीज़ पे दी जाती है जो पुराने समय में जो ओल्डेस्ट मैथर्ड्स थे उसमें ना ज़्यादा अटेंशन रीडिंग पे कि बच्चा रीड कर रहा है और अच्छे से लिख पा रहा है ये दो चीज़ों पर ज़्यादा अटेंशन था पर कोई अटेंशन किस पे नहीं था कि बच्चा बोलता कैसे है या लिसनिंग पे ठीक है जी इन चीज़ों पे इतना खास अटेंशन नहीं दिया गया ज्यादा अटेंशन किस पे देते थे जो पुराने मैथड्स होते थे कि बच्चे ने रीड किया उस चीज को अच्छे से उसको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी आ गई और अच्छे से लिखना आ गया राइट तो इस चीज़ पर क्या किया जाता था ज़्यादा फोकस किया जाता था राइट ईजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बोला जाता है इसको ठीक है जी क्योंकि ये ईजिएस्ट मैथड है देखो सीधा ट्रांसलेट करके मदर टंग में पढ़ाया जाता है तो ईजिएस्ट मैथड है किसी को भी पढ़ाने का राइट right? इफेक्टिव है छोटे बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट मैथड है ट्रांसलेशन मैथड बट देखिए ये तो एडवांटेजेस हो गए दो बट इसके डिसएडवांटेज भी है नुकसान भी होंगे कि इसमें क्या होता है देखो टीचर ही ट्रांसलेट कर रहा है टीचर ही पढ़ा रहा है ज़्यादा फोकस रीडिंग और राइटिंग पे है स्पीकिंग पे है ही नहीं कि बच्चा क्या समझ पा रहा है बच्चा क्या बोलेगा इन चीज़ों पे कोई अटेंशन नहीं है तो ये टीचर सेंटर्ड मैथड है बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दी ही नहीं जाती इसमें लिटल अटेंशन दी जाती है कम्युनिकेशन को और लिटल अटेंशन दी जाती है कंटेंट को कि पढ़ाया गया जा रहा है सिंपल बच्चा रीड करेगा और लिखना उसको आना चाहिए बस इन चीज़ों पर फोकस था ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए आई होप ये एक मैथड आपको क्लियर हो गया कि ट्रांसलेशन ग्रामर मैथड क्या होता है कि जब आप ट्रांसलेट करके मदर टंग में पढ़ाते हैं ठीक है जी और ये ओल्डेस्ट क्लासिकल ट्रेडिशनल मैथड है पढ़ाने का ज़्यादा टेंशन दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग पे बट स्पीकिंग पे कि बच्चा बोल पा रहा है उस लैंग्वेज को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं है ईजीएस्ट वे है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का और ये टीचर सेंटर्ड मैथड है बच्चे का तो ज़्यादा रोल है ही नहीं है जो टीचर ने कह दिया बच्चे ने बस वो रीड कर दिया और वो लिख दिया ठीक है सिंपल डिक्टेशन मैथड है ये आई होप दिस इज़ क्लियर नेक्स्ट कम डायरेक्ट मैथड और इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं ठीक है जी डायरेक्ट मैथड का मेन एम क्या है ताकि देखिए जी मदर टंग को इतना नहीं फोकस किया गया यहाँ पे टारगेट पे किया गया जैसे हमने बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो हम जो इंग्लिश ट्रेंड टीचर हैं वहीं रखते हैं उसी में बात करते हैं जैसे आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल्स में क्या होता है स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला जाता है जैसे मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल से आई हूँ तो हमारे पास स्ट्रिक्ट रूल्स थे ये वहाँ पर कि अगर किसी ने इंग्लिश में बात नहीं की एक दूसरे से चाहे आपके वो फ्रेंड्स हैं ठीक है चाहे आपके वो टीचर्स हैं अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा नहीं बोलोगे तो फाइन लगेगा ठीक है जी थी? तो हम वैसे ही बोलते रहे बोलते रहे तो क्या है बच्चा धीरे धीरे हम सीख गए ठीक है जी तो वही होता है डायरेक्ट मैथड ये एम ऑफ दिस मैथड इज टू मेक लर्नर एक्वायर द रियल कमांड ओवर लैंग्वेज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग मतलब इसमें मदर टंग का कुछ खास रोल नहीं है मदर टंग इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है जो हम सिखाना चाहते हैं ठीक है ठीके? तो वही हम सिखाएंगे डायरेक्टली हम वही यूज़ करेंगे फालतू कोई और लैंग्वेज बीच में इंटरेक्ट नहीं करेगी इंटरफेयर नहीं करेगी सबसे पहले ये जो मेथड है ना डायरेक्ट मेथड कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में हुआ था और इस पे डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा टेंशन दी जाती है स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे सुनोगे उस लैंग्वेज को तभी बोल पाओगे ठीक है जी पुराने जो मैथड्स थे वो तो ज़्यादातर रीडिंग राइटिंग पे ही बस रट्टे पे लगे हुए थे बट जो डायरेक्ट मैथड था उसने क्या बोला कि जो मदर टंग है वो इंटरफेयर नहीं करेगी बच्चे की और जो डायरेक्ट जो उनकी जो मेन लैंग्वेज है जिस पे कमांड बनानी है ना वो लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और मैथड है ये जो डायरेक्ट मैथड वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था ज़्यादा फोकस करता है स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे राइट ग्रामर इंडक्टिवली टॉट की जाती है इंडक्टिव मैथड डिडक्टिव मैथड आई थिंक आपको याद होंगे इंडक्टिव मैथड क्या होता है बच्चे को पहले एग्जाम्पल्स दी जाती है फिर रूल समझाए जाते हैं और डिडक्टिव में क्या होता है पहले रूल्स एंड देन एग्ज़ाम्पल्स दी जाती है राइट यूज ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज डायरेक्ट मैथड में कभी भी मदर टंग का यूजेज नहीं होता और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है जी कि कौन सा ऐसा मेथड था जिसमें मदर टंग का कुछ खास रोल नहीं है या मदर टंग इंटरफेयर नहीं करती तो याद रखना उसका आंसर है डायरेक्ट मेथड राइट नैचुरल वे है इसको सीखने का देखो जी नेचुरल वे ही है एक तरह से उस स्कूल में जैसे आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो सभी इंग्लिश बोलेंगे तो आप धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे जब आप कम्युनिकेट करोगे बोल के उस चीज़ को सीखोगे सुनते रहोगे उसी चीज को तो सीख जाओगे राइट right? हमें भी पहले बहुत मुश्किल लगता था बट फ्रॉम द वेरी नर्सरी नर्सरी क्लास से हम जैसे कॉन्वेंट में थे तो अभी हमें आदत हो गई है हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं बहुत इजीली फ्लुएंटली राइट तो मतलब ये माहौल होता है सारा कुछ देन कम डिसएडवांटेज ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा देखो कमांड बनाना किसी लैंग्वेज पे बच्चे को तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि देखो टीचर्स भी नहीं होते हैं ना अगर हम कोई ट्रेंड टीचर भी देखें चलो जिसने मास्टर्स भी कर रखी है इंग्लिश में क्या हम ये बोल सकते हैं क्या उस टीचर का फुल कमांड है उस लैंग्वेज पे कहीं ना कहीं वो टीचर भी अटक जाएगा ठीक है, नी टीचर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश जो कि इतने अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहां पे क्या है काम गड़बड़ हो जाता है इतना भी ट्रेंड कोई नहीं होता है ठीक है देन अब आते हैं न्यू मैथड पे हमने ओल्ड मैथड दो कर लिए अच्छे से ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मैथड राइट ट्रांसलेशन में क्या था मदर टंग यूज़ की गई थी और डायरेक्ट मैथड में मदर टंग का कुछ खास रोल था ही नहीं दोनों में फर्क याद रखना नाउ कम डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड नाम से ही पता लग रहा है ये डॉक्टर माइकल वेस्ट ने दिया था ठीक है जी ये क्या था रिवॉल्ट था अगेंस्ट डायरेक्ट मैथड डायरेक्ट मैथड ने क्या बोला था कि इंग्लिश का यूज करना मदर टंग का यूज नहीं करना ठीक है बट इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ डायरेक्ट क्यों इंग्लिश क्यों यूज करनी है मदर टंग का क्यों यूजेज नहीं करना ठीक है उन्होंने ज़्यादा फेवर में किसके बोला था मदर टंग उन्होंने बोला इंग्लिश पढ़ानी है पढ़ाओ नो इश्यू बट कम से कम बच्चों को मदर टंग तो यूज़ करने दो जो उनकी एक्चुअल में लैंग्वेज है उसको क्यों आप ख़त्म कर रहे हो ठीक है तो डॉक्टर वेस्ट ने उनके अगेंस्ट बोला था डायरेक्ट मैथड के राइट ज़्यादा इंफोसिस ले किया गया था ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी एंड दैट टू ऑन साइलेंट रीडिंग इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया था रीडिंग एबिलिटीज पे बच्चा अच्छे से रीड करे पढ़े मदर टंग का यूजेज करे एंड ऑन द साइलेंट रीडिंग अब है नेक्स्ट न्यू मैथड सब्सिट्यूशन टेबल मैथड तो इसने सपोर्ट किसको किया था डायरेक्ट मैथड को कि मतलब इंग्लिश ही सिखाओ मदर टंग का यूजेज मत करो तो याद रखना ये दोनों ही चीज़ें न्यू मैथड्स आए थे ना एक आया था डॉक्टर वेस्ट का उन्होंने ज़्यादा किस पे आ, मतलब फोकस किया था मदर टंग पे और सब्सिट्यूशन मैथड ने क्या बोला नहीं जी डायरेक्ट मैथड ही अच्छा है इंग्लिश पे ही फोकस करो ठीक है तो दोनों में ये फ़र्क था तो सब्सिट्यूशन क्या होता है जैसे कि आपको कोई टीचर सेंटेंस दे देती है आई डैश प्लेइंग राइट right? तो आप उस सेंटेंस में चार ऑप्शंस दे दीजिए ए बी सी डी आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे पुट करोगे अपना आंसर वो होता है सब्सटीट्यूशन मैथड ये तो आप सबको पता है नॉर्मल सा वर्ड है राइट right? ये मेथड किसने दिया था किसने डेवलप किया था एच ई पालमर ने इस मेथड्स में वर्ड होते हैं ना जो वन सेंटेंस के वो सब्सटीट्यूट किए जाते हैं ठीक है जी आप इसकी जगह क्या लिखोगे आई एम प्लेइंग ठीक है तो ये सब चीजें आप सब्सिट्यूट करोगे मॉडल इज चोजन एंड देन इट्स वर्ड्स आर सब्सिट्यूटेड पहले ये सिंपल सेंटेंस आप देखोगे ऑप्शंस चेक करोगे फिर जाके आप उसको सब्सिट्यूट कर दोगे ये सपोर्ट करता है किसको डायरेक्ट मैथड को ठीक है जी इंग्लिश लैंग्वेज को लर्निंग डन विदाउट मेमोराइजेशन इसमें देखो रटना मारने की जरूरत नहीं है जहाँ पे आपको लगे सेंटेंस बन गया सेंस बन रही है आपका इंग्लिश पे कमांड है इतना परफेक्ट नहीं बट पर कम से कम हमें पता ही लग जाता है देखो हम चाहे खुद जैसे हम छोटे थे तो हमें भी देखो सेंटेंस बनाते थे बट हमें इतना तो पता लग जाता था कि ये सेंस नहीं बन रही है आई इज प्लेइंग तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी तो बच्चे को खुद पता लग जाता है इसमें मेमराइजेशन रेटाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती मैथड में राइट आई होप दिस इज़ क्लियर अब आते हैं अपने लास्ट मैथड पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथड है जो है बाय लैंग्वेज बाय लैंग्वेज मैथड क्या करता है अलाउ करता है टीचर्स एंड प्यूपल्स को दो लैंग्वेज यूज़ करने में कौन सी दो एक टारगेट इंग्लिश और दूसरी मदर टंग ज़रूरी नहीं है आपकी टारगेट इंग्लिश ही हो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो ठीक है जी क्योंकि कई स्कूल्स में पंजाबी को ज़्यादा फोकस किया जाता है कहीं का हिंदी पे ठीक है जी और मदर टंग को साइड बाय साइड लेके चलना है बाय का मतलब भी क्या होता है दो लैंग्वेज को यूज़ करना कि आप दो लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो एक तो अपनी टारगेट जो एक्चुअल में आपको सीखना है प्लस आपकी मदर टंग जो ऑलरेडी है आप लेके आए हो अपने साथ वो चलेगी राइट सूटेबल फॉर इंडियन मल्टी कल्चर कॉन्टेक्स्ट देखो हमारा जो कल्चर है वो मल्टी कल्चर है बहुत तरह के मतलब लैंग्वेजेस लेके आते हैं हर एक तरह का बच्चा मतलब एक छत के नीचे पढ़ता है एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं अलग अलग भाषाओं की ठीक है उनके सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं अलग अलग कल्चर्स होते हैं तो उनके लिए ये मैथड सबसे बेस्ट है और ये क्वेश्चन आया था पेपर में ठीक है जी याद रखना कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है अगर मल्टीकल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो आंसर क्या है बाय लैंग्वेज मैथड ठीक है जी तो इनसे बहुत ही छोटे छोटे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो आपको दिमाग में रखने हैं एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो ठीक है जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू वेरी मच